गुजार हुकूमत ने ईद पर कोरोना के हवाले से हौसला अफजा जताए जाने के बाद पंजाब भर में दो रोज कबल ही लॉकडाउन खत्म कर दिया और आज से तमाम मार्केट्स खुल गए हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए गुज़िश्ता कई माह से लॉकडाउन जारी है। तहम पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन 5 अगस्त के बजाय 3 अगस्त से ही खत्म कर दिया और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आज से तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए तमाम कारोबारी मकामात हफ्ते में 5 रोज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को 2 रोज के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर और जरई वर्कशॉप 24 घंटे खुली रहने की भी इजाजत होगी। तहम तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क, सिनेमा बादस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमाआत, खेलों की सरगर्मियों के लिए जमा होने की इजाजत नहीं होगी। तहम 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकशहदी के लिए इज्तिमा की इजाजत होगी, जबकि चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट को भी 24 घंटे चलने की इजाजत होगी, जबकि कॉल सेंटर्स 50% स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफौर होगा और 17 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। हुकूमत पंजाब ने मवेशी से लिए गए सैंपल्स के हौसला अफजा नताए जाने और ईद पर मार्केट्स की बंदिश से कोरोना वायरस के फैलाव के इम्कानात कम हुए, जिसकी बुनियाद पर लॉकडाउन के खात्मे का फैसला किया गया, जबकि सूबाई वजीर सेहत ने भी तस्दीक की थी कि 19 अजला में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद इन इलाकों को कोरोना फ्री करार दिया गया है।